आईपीओ में निवेश करने वालों के लिए सितंबर महीना काफी खास रहने वाला है। इस महीने आईपीओ की बहार आई हुई है। सितंबर में 15 से ज्यादा आईपीओ कतार में है। 14 साल पहले सितंबर 2010 में ऐसा हुआ था जब किसी एक महीने में 15 कंपनियों के आईपीओ लॉन्च हुए थे। इस महीने के चर्चित पब्लिक इशू में बाजार स्टाइल रिटेल, गाला इंजीनियरिंग, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, टॉलेंस टायर, क्रॉस जैसे आईपीओ शामिल हैं। आईपीओ में निवेश का क्रेज बढ़ता जा रहा है, खास करके यंग इन्वेस्टर्स दबाकर आईपीओ में पैसा लगाते हैं। और अगर आप भी आईपीओ में अंधी बोली लगाते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की हालिया स्टडी के अनुसार आईपीओ में निवेश करने वाले 50% इन्वेस्टर्स आईपीओ की लिस्टिंग के एक हफ्ते के अंदर शेयर बेच देते हैं, जबकि 70% आईपीओ निवेशक साल भर के अंदर आईपीओ में अलॉट शेयर निकाल देते हैं। स्टडी में अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 के बीच लिस्ट हुए 144 आईपीओ के डेटा को कंपाइल किया गया है। सेबी की स्टडी इस बात के संकेत दे रही है कि कई सारे इन्वेस्टर्स आईपीओ को नोट छापने की मशीन समझकर लिस्टिंग गेन लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तुरंत मुनाफा कमाने का ये लालच आपको भारी भी पड़ सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ लाने वाली कंपनी के फंडामेंटल्स को समझते ही नहीं है, ना ही रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को पढ़ते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स सिर्फ बुलिश मार्केट यानी चढ़ते बाजार में लिस्टिंग गेन की चाह में दांव लगाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए आईपीओ में दांव खेलना नुकसानदायक हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हर आईपीओ प्रीमियम पर ही लिस्ट हो। मार्केट सेंटिमेंट्स और नैरेटिव किसी भी वक्त बदल जाते हैं और आईपीओ डिस्काउंट पर भी लिस्ट हो सकता है, इस कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो जरा दो बार सोच कर कीजिएगा। आईपीओ लिस्टेड स्टॉक्स के मुकाबले ज्यादा रिस्की होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर पहले से लिस्ट शेयरों के मामले में मैनेजमेंट परफॉर्मेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े हिस्टोरिकल डेटा उपलब्ध होते हैं, जबकि आईपीओ लाने वाली कंपनियां नई होती हैं, अनटेस्टेड होती हैं, इसीलिए इनके बारे में जानकारी भी आपको कम मिलती है। एस्टैब्लिश कंपनियों के पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जबकि आईपीओ के मामले में आमतौर पर प्रॉस्पेक्टस में दिए गए डेटा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जानकार मानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ में निवेश करने से पहले कुछ ड्यू डिलिजेंस यानी जांच परख कर लेनी चाहिए, जैसे कंपनी आईपीओ के जरिए पैसे क्यों जुटा रही है, आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने, रिसर्च और डेवलपमेंट, मार्केटिंग या कर्ज उतारने के लिए किया जाता है तो आईपीओ लाने का उद्देश्य उचित हो सकता है। इन्वेस्टर्स को आईपीओ के ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस का बारीकी से रिव्यू करना चाहिए ताकि पता चल सके कि कंपनी किस तरह से कमाई और मुनाफा कमाती है। कंपनी की मार्केट पोजीशन, ताकत और कमजोरियों के बारे में भी जानना जरूरी है। आईपीओ में निवेश करते समय आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है ताकि नुकसान ना उठाना पड़े। तो कौन सी हैं ये बातें? पहली बात, बिना रिसर्च के सिर्फ दोस्तों या कुलीग्स के कहने पर, उनके एडवाइस पर, उनके टिप्स के आधार पर आईपीओ में बिल्कुल भी निवेश ना करें। दूसरी बात, पॉपुलर आईपीओ को लेकर मार्केट में बनी हाइप और रुझान से प्रभावित होकर पैसा ना लगा बैठें। तीसरी बात, अगर आप आईपीओ लाने वाली कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर के श्योर नहीं है तो किसी दबाव में आकर आईपीओ के दौरान निवेश ना करें, बल्कि लिस्टिंग के बाद सही प्राइस पॉइंट पर एंट्री के लिए प्राइस करेक्शन का इंतजार करें। कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर पैसा निवेश कर देते हैं, और ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको क्या देखना है, आपको देखना है कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस और ग्रोथ की संभावना। इन पर रिसर्च कीजिए और तभी निवेश का फाइनल डिसीजन लीजिए, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी।